shut up and sit down. क्लासिफिकेशन ऑफ सूप या टाइप्स ऑफ सूप, हम लोग इससे पहले एक वीडियो बनाए थे, आपके आप लोगों के साथ शेयर किया गया था टाइप्स ऑफ सूप लेके, जिसमें पहला पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ सूप का पहला पार्ट लेके, दैट इज थिक सूप। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी तीन पार्ट लेके, दैट इज थिन सूप, कोल्ड सूप, इंटरनेशनल सूप। सो अभी जो पार्ट लेके डिस्कस करेंगे दैट इज थिन सूप। थिन सूप क्या होता है, नाम से आपको मालूम चल रहा है, थिक सूप जो लेके डिस्कस किए थे दैट इज जिसका बेस आपका थिक रहेगा या थिकनिंग एजेंट रहेगा, दैट इज थिक सूप। और उसका काफी सारे टाइप्स भी था। थिन सूप क्या है, ये आपका सिंपल, इसमें कोई थिकनिंग एजेंट नहीं रहेगा और इसका लिक्विडिटी या इसका जो बेस है ये आपका पतला रहेगा, इसलिए इसको थिन सूप बोला जाता है। लेकिन ये थिन सूप दो टाइप का होता है। थिन सूप क्या क्या है, दैट इज पास्ट सूप और अनपास्ट सूप। सिंपल, कोई भी सूप, ये जो थिन सूप रहता है, एक्चुअली इसको क्लियर सूप भी बोला जाता है। क्लियर सूप किस लिए बोला जाता है, क्योंकि ये जो सूप बनाया जाता है, बनाने के प्रोसेस में ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें इसका ट्रांसपेरेंसी या क्लियरिटी लाया जाता है। कैसे, एग सेल और या एग डाल के इसका जो फैट कॉन्टेंट है इसको रिमूव किया जाता है, और इस सूप को बनाने के बाद अगर आप कहीं सूप बोल या कोई भी कंटेनर में डालोगे तो आपको इसका आर पार दिखेगा। सो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज क्लियर सूप, आपको पूरा क्लियर दिखेगा। अगर सूप बोल में सूप लिए हो तो आपको पूरा सूप का बोल का एंड पार्ट तक, बेस तक पूरा दिखाई देगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड थिन सूप और क्लियर सूप। ये दो तरह का होता है, दैट इज पास सूप एंड अनपास सूप। पास सूप क्या है, जो थिन सूप अगर आप स्टेन करोगे बनाने के बाद, पूरा का पूरा स्टेनर से पास होके आ जाएगा आपके बोल में या कंटेनर में, दैट इज कम्स अंडर पास्ट सूप। पास्ट सूप में क्या आता है, कॉन्जोमे आता है। कॉन्जोमे या पास्ट सूप उसी सूप को बोला जाएगा जिसमें कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं रहेगा, जो कि क्लियर रहेगा, थिन रहेगा, लिक्विडिटी ज्यादा रहेगा, बट न्यूट्रिटिव वैल्यू आपका, इसके सारे फ्लेवर बाकी सब कुछ एनहेंस्ड रहेगा, स्पाइसेस सब एनहेंस्ड रहेगा। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ अनपास सूप। अनपास सूप क्या है, ये क्लियर सूप या कॉन्जूमे कोई जब इसका अंदर पार्टिकल्स रहेगा या सॉलिड पार्ट्स रहेगा, चंक्स रहेगा मीट का, वेजिटेबल्स का या कुछ भी इंग्रेडिएंट्स का, तब इसको अनपास सूप बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये पार्टिकल्स रहेगा, जब स्टेन किया जाएगा, उसका लिक्विडिटी तो पास हो जाएगा लेकिन इसका जो सॉलिड पार्ट है, पार्ट ऑफ द सूप रिमेनिंग रहेगा स्टेनर में, सो इट इज नॉट पास्ट और अनपास्ट, दैट्स व्हाई इट्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अनपास्ट सूप। अनपास्ट सूप दो तरह का होता है, दो तरह का नहीं, एक्चुअली दो वर्ड में से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, एक है ब्रॉथ, सेकेंड वन इज बुलियन। ब्रॉथ क्या होता है, ब्रॉथ इज अ ओल्ड इंग्लिश वर्ड एंड बुलियन इज द फ्रेंच वर्ड, बोथ आर सेम, दोनों नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है या हम लोग उसको पहचानते हैं या समझते हैं, जो भी बोले आप। सो पास्ट एंड अनपास्ट बोथ आर अ टाइप ऑफ थिन सूप। इसके बाद जो टाइप आता है दैट इज कोल्ड सूप। या ये हम लोग के लिए कुछ सरप्राइजिंग है, जो लोग नए हैं इस इंडस्ट्री में या सूप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है उनके लिए, कि हम लोग सूप को जनरली हॉट ही पिए हैं या हॉट सर्व करते हैं, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज है, बहुत सारे जगह है जहाँ पे सूप को कोल्ड भी इंजॉय किया जाता है या कोल्ड सूप सर्व किया जाता है। इससे सबसे फेमस कैटेगरी में आता है गैस्पैसो, जो स्पेन से है, और इस तरह का मेडिटेरियन सीज के आसपास के कंट्रीज है जहाँ टेम्परेचर काफ़ी हाई होते हैं, वहाँ पे सूप को ठंडा सर्व करना या ठंडा पीने या इंजॉय करना ज़्यादा पसंद किया जाता है। सो ये रहा आपका कोल्ड सूप का टाइप। सबसे आखिर में जो आता है दैट इज इंटरनेशनल सूप और नेशनल सूप। इंटरनेशनल सूप और नेशनल सूप क्या है, ये सारे कंट्रीज या कुछ कंट्रीज अपने अपने कुछ रॉ मटेरियल्स या कुकिंग स्टाइल या कल्चर को कैरी करके कुछ सूप्स बनाया है, जो सूप ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है या सर्व होता है या लोग
एंजॉय करते हैं। सो दीज आर द लिस्टेड सूप जो के इंटरनेशनल सूप के हिसाब से जाना जाता है। कुछ एग्जांपल मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता हूँ, जैसे कि फ्रेंच ऑनियन सूप। इसका नाम से ही मालूम चल रहा है, फ्रेंच ऑनियन सूप इज अ सूप विच फ्रॉम फ्रांस। ऐसा ही आपका कोल्ड क्रीम ऑफ टर्टल सूप है, क्रीम ऑफ टर्टल सूप इज फ्रॉम इंग्लैंड। मिनेस्ट्रोनी सूप भी इंटरनेशनल सूप है जो कि आपका है इटली का। मिनेस्ट्रोनी सूप को अगर आप पियेंगे देखेंगे, इसका बेस में आपका आपको मिलेगा पास्ता, टाइप ऑफ पास्ता इज देयर, दैट इज मैक्रोनी। सो पास्ता हम लोग सब जानते हैं इट्स फ्रॉम इटली। सो ये सूप भी आपका इटली से ओरिजिन हुआ है। इंडिया का सबसे मतलब इंडिया आपका जो इंटरनेशनल सूप है दैट इज मुलीगतवानी। मुलीगतवानी सूप जो है ये लेंटिल से बनता है, और लेंटिल से बनने के बाद इसका जो प्रोसेस है करने के बाद सर्व होता है एकॉम्पेनिमेंट क्या चीज़ के साथ, दैट इज स्टीम राइस एंड लेमन वेजेस। स्टीम राइस लेमन वेजेस के साथ मिक्स करके मुलीगतनी को कंज्यूम करने से इसका टेस्ट और एनहेंस होता है। सो दिस आर द लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल सूप जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है और काफ़ी फेमस है। आप अगर अच्छे मेनू कहीं का कलेक्ट करोगे, आप देखोगे ये सारे सूप वहाँ पे रहता है, मिलता है। मेरे इस वीडियो में देखिए बाकी सारे बहुत सारे कंट्री वाइज मैं नाम दे दिया हूँ, आपको इससे जानकारी मिल जाएगा। मैं हूँ मज़र हन्नान, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका गाइड, आपका कोच। आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो मैं लेके आता हूँ, होटल रिलेटेड, फूड रिलेटेड, QSR या रेस्टोरेंट्स रिलेटेड। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट माई चैनल, प्लीज़ बी विथ अस। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।